बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज जी अभी इस टाइम मैं हूँ जी कलर सजदा में मदीना कैश एंड कैरी। कुछ सामान लेना जी घर के लिए, खाने पीने का, ग्रॉसरी वगैरह का। तो खैर जी आप लोगों को पता है जी महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। तो मेरे पास जी तकरीबन 2 से 3 महीने का पुराना बिल पड़ा हुआ था एक, तो जो सामान वगैरह लेके गया था। तो मैंने कहा जी आप आज एक तो सामान लेना है और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी सिर्फ 2 से 3 महीनों में कितने चीज़ों के रेट वगैरह बढ़ गए। तो खैर जी तकरीबन सामान तो सारे लेना है, ऑयल वगैरह हो गया, दालचीनी वगैरह होगी। तो खैर अभी ये और जी माल में आया हूँ, तो यहाँ से अंदर है जी मदीना कैश एंड कैरी। तो यहाँ से ग्रॉसरी का सामान लेते हैं तो और कीमतें जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। तो ये सामने है जी मदीना कैश एंड कैरी, यहाँ से सामान वगैरह लेते हैं अभी और एंड पे जी आप लोगों के साथ रेट शेयर करेंगे, पुराना बिल और नया बिल मैच करेंगे जी। डिटोल इन्होंने रखा है। क्या रखा है? डिटोल और पार पार भर रहे हैं हम। पत्तियां लेनी है जी हमने इधर से, लिप्टन से उठानी है इन्होंने। चटपटे नूडल्स ए बड़ा हो बपर ओ वे चीनी की नहीं हूँ इधर ही। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बादाम 620 रुपये पाओ, बाहर 2400 रुपया किलो, मैं 300 रुपया किलो कीता। चंगा बादाम इधर मार देता। गुड। चावल नहीं लेने आपने? 5 किलो ये 5 किलो है, अपर 2 किलो है। बार 970 हो गई। 990 कसमें जी ये उठाना है आपने। डालडा नीचे है ये नहीं इधर। तो अभी दोबारा सामान चेक करते हैं जी, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये इस रैके नहीं बना हुए हैं जी। हाँ जी वैसे बाल जा रहे हैं आगे। ये जी लून मार्च उतर ही पास है। नहीं लून मार्च आ गया ना, बच्चे आई है, बच्चे आई है। लून कुछ रुपए आवा लून हो बुन दो एक
दो 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 आनो अरे ये तो ठीक नहीं है आज बात ठीक है जी रखी सर तकरीबन। और ये है जी मदीना कैशिंग करी, अच्छे मुनासिब रेट हैं जी इनके, इतने मैंने कंपेयर नहीं किया लेकिन मुझे लग रहे हैं कि मुनासिब ही हैं। इस तरफ जी इनके बर्तन वगैरह हैं और बाकी सामान ये देखें बर्तन वगैरह काफ़ी बड़ा सेक्शन है जी, काफ़ी बड़ा माल बना हुआ है। पहले भी किसी वीडियो में शायद दिखाया होगा लेकिन आज मैंने कहा थोड़ी डिटेल वीडियो बनाते हैं। सामान हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया जी, दोस्त ने कुछ बर्तन वगैरह लेने थे तो वो देख रहे हैं, बाकी चले उस तरफ देखते हैं अभी जाके। सामान मेरा कंप्लीट हो गया जी, ऑलमोस्ट हेलमेट भी नीचे पड़ा हुआ है। बड़ा बेहतरीन सामान पड़ा हुआ जी, इधर भी चेक करें हर चीज़ ऑलमोस्ट पड़ी हुई है जी। ये बीटर वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह और पिज़्ज़ा कटर वगैरह सारे। बड़े बेहतरीन नॉनस्टिक बर्तन वगैरह भी लगे हुए हैं जी, बड़ा बेहतरीन माल बना हुआ है जी। एक तो खुला काफ़ी है यानी बड़ा काफ़ी है, दूसरा सामान भी अच्छा है। इधर बच्चों के कपड़े वगैरह जी, इधर खिलौने वगैरह, अभी जी सामान तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया और अभी बिल बनवाते हैं और निकलते हैं फिर जी। और ये जी जी एक $1 शॉप खुली है अभी, वो दिखाते हैं आपको। खिलौने वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। RS 240 चल रहा है मेरे ख्याल से, डॉलर इनका 240 पे रुका हुआ है। RS 240 हर चीज़, काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। बड़ा बेहतरीन सामान पड़ा हुआ है जी, एक्सप्लोर करने के काबिल है $1 शॉप। बड़ी बड़ी काम की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। खैर जी अभी इतना टाइम नहीं है, डिटेल से किसी दिन कोई चीज़ सही हुई तो ढूंढेंगे। ये लॉक वगैरह पड़े हुए हैं और इधर लाइटें वगैरह, बैटरी वगैरह, ये स्विच बोर्ड वगैरह, ठीक है। फिर आगे किचन की कुछ सामान पड़ा हुआ है, इधर बच्चों के खिलौने वगैरह, डेकोरेशन का कुछ सामान पड़ा हुआ है और बड़ा बेहतरीन चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पर। तो सामान जी अभी ले लिए और अभी चलते हैं जी बाहर वापस घर की तरफ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, टाइम 12:30 हो रहे हैं। और ये उर्जी माल और कोई लेने वाली चीज़ नहीं है, मैंने कहा क्या घुमाऊँ आगे, खैर चलते हैं बाहर। बिल्कुल जी इस टाइम कोई रश नहीं है माल में भी, कोई बिल्कुल हमारा बाइक खड़ा है पार्किंग में और एक आधा मेरे ख्याल से एम्प्लॉय का बाइक है या क्या है, ठीक है। बाकी बिल्कुल जो है ना कोई रश नहीं है इस टाइम गर्मी की वजह से भी, और वैसे भी इधर इतना रश नहीं होता। और ये जी तकरीबन सामान बना है 11,850 कुछ का, और मेरे ख्याल से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले यही सामान मैंने 8,500 का लिया होगा। तो खैर जी अभी एक दो चीज़ें आप जो मेन जो चीज़ें ना उनका रेट आप लोगों को बताऊंगा, तो पहले कितना था 2-3 महीने पहले और अभी कितना है। तो और ये जी कुछ जो है कंसल्टेंसी का ऑफिस खुल गया है एक तो, और साथ में कुछ एक दो दुकानें बाहर भी खुल गई हैं पार्किंग के पास। और ये जी पीछे मदीना कैशन कैरी का बाहर लोगो लगा हुआ है इनका, और ये बाकी सारा और जी माल मैन मरीज चौक कलर सहीदा।
ये जी बाहर मरीज चौक है सारा, और अभी बाइक के साथ सामान लगाते हैं और फिर चलते हैं जी। बाइक भी धूप में खड़ी अच्छी खासी गर्म होगी होगी। तो खैर जी अभी वीडियो करते हैं एंड, तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।